यशोमती मैया के नंदलाला। प्रभु शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा पूरा वन ही जल जाएगा। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। आज इस वन का एक एक तिनका जला डालूंगा। मुझे भूल गए दामनल, मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। मैया की नींद में व्यवधान पहुंच रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। कुछ ही समय पहले बुझती हुई चिंगारी से घबरा गया था, अब इतने विशाल दावानल को निगल गया। फिर से गड़बड़ कर दी काना ने। समझाया था कोई लीला मत करना, तुम्हारी समस्या और बढ़ जाएगी। अब क्या करूं दाऊ? जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रूप में देखने का प्रयास करती हूँ, मुझे प्रभु दिखते हैं। कैसे कैसे समझाऊं अपने आप को? मैया मुझे पता है आपने कहा था अग्नि के साथ मत खेलना, पर अग्नि फैल रही थी। मुझे कछुआ कछू तो करना ही था मैया। क्यों प्रभु, क्यों छीन रहे हो एक मैया से उसकी ममता? मैं आपकी भक्त अवश्य हूँ, पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूँ। आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, डांटना चाहती हूँ। तो फिर डांटो ना मैया, फटकार लगाओ मुझे, दंड दो। ऐसे कान्हा, तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं। मेरे मन में तेरे प्रति भक्ति के भाव जाग रहे हैं। मैया ऐसा मत ही करो ना, देखो मैं वही कान्हा हूँ जिसे आप ग्लोरी सुना के सुलाती थी। वही कान्हा हूँ जिसे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। मैं वही कान्हा हूँ मैया जो भूल करता था तो आपकी दंड भी खाता था और आपसे दंड भी पाता था। मैया एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं वही कान्हा हूँ जो आपकी पूछ बन के पूरे वृंदावन में घूमता था, जिसे चलना बोलना सब सिखाया आपने
पहले मैं रुक सकती है। जाने बिना आप मुझे अपने लल्ला की तरह व्यवहार करती थी, अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अपने लल्ला की तरह ही मुझे अपनाना होगा, क्योंकि मैं तो वही हूँ, आपका कान्हा। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भयभीत हो जाती हूँ कान्हा, ये सोच के कि तू मुझे छोड़ के तो ना चला जाएगा। कहीं गया भी तो सदैव आपकी हृदय में ही रहूंगा, वही तो है मेरा असली निवास। लल्ला शीघ्रता कर, घर पहुंचकर झाड़ बुहारी भी करनी है। का होगा ये सब, हैर क्यों गए? ये सब क्या होगा? कल ही तो हम इस क्षेत्र की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे ना, और आज कछु बचो है तो बस चिंगारियां, भस्म का ढेर और विनाश का दृश्य। चिंता क्यों करती हो भाभी? जिसने इस वन को, हम सबको जलने से बचाए हुए, वही इसे फिर से हरा भरा कर देगो। नंदराज, इस समय घर जाना सुरक्षित होगो? पूरा मार्ग जल गयो है, इन सुलगती चिंगरियों का ताप किसी बालक या वृद्ध के पांव में लग गयो तो? चिंता की कोई बात नहीं है बाबा, हम सब महर्षि गर्ग के आश्रम में जा सकते हैं, वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो यहाँ से अधिक दूर भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको इसी गर्ग के आश्रम जाना चाहिए, वहां चलकर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी और वृंदावन जाने को मार्ग सुरक्षित हो जाएगा, हम सब वापस लौट चलेंगे। अच्छा विचार है। वही महर्षि गर्ग जिन्होंने मेरा नामकरण करा था। Thank you.
आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण। प्रणाम रिसीवर। रिसीवर, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? महर्षि को संभालो काना, नहीं तो साक्षात प्रणाम कर देंगे तुम्हें। और तब छोटी बा को तुम्हारे भगवान होने की स्मृति फिर से आ जाएगी। भक्तों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए। भगवान ने बस आपका शिष्य और ऋषिवर स्मरण रखी है। भगवान अपने भक्त के घर नहीं आए। आज एक पुत्र अपनी मैया के साथ एक महर्षि के आश्रम आया है। देखो तू इसे, ऐसे हृदय से लग रहा है जैसे कितने अच्छे से जानता हूँ। जानता हूँ मैया, बाबा ने कितनी बार बताया हो इनके बारे में कि कैसे मेरा नामकरण करा था, इसलिए तो इतने विशेष है ये मेरे लिए। अच्छा ही है कि यशोदा जी भूल रही है कि इसका लल्ला स्वयं श्री नारायण का अवतार। आप सभी का यहाँ आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप आए हैं अपनी इच्छा से, परंतु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे। आपके साथ समय बिताने हैं महर्षि, इतने शीघ्र यहाँ से जाएंगे भी ना। लगता है काना के मस्तिष्क में कोई योजना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये। दाऊ को नहीं बताओगे? कौन सी बात दाऊ? चाचू क्यों तुम कोई विशेष योजना बना रहे हो क्या? मैं कोई विशेष योजना कभी नहीं बताता दाऊ, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे दाऊ योजना बनाओ भी क्यों, आज कुछ विशेष थोड़ी ना है। तो मेरा जन्मदिन इसके लिए विशेष अवसर नहीं है, या फिर इसे स्मरण ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? ओहो काना, कितनी दूर फेंक दी, अब जाके लेके आनी पड़ेगी। बलराम, वहां खड़े क्या हो?
आओ गिल्ली लेके आते हैं। चलो भी। अब मेरी बारी है। नहीं नहीं, अब मैं खेलूंगा। क्या हुआ दाऊ, क्या देख रहे हो? ऐसा लगा कि जैसे कोई था यहाँ। वरना दाऊ, कोई ना कोई तो जीव जंतु होगा ही। छोड़ो ना, अब आपकी बारी। मार गिल्ली बल लगा के। हाँ हाँ, बलराम को खेलने दो, अभी अभी आया है ना। यही हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की, और वो सारे बालक बड़े चाव से देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की। मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए, किंतु अब मेरे क्रोध से, मेरे भीतर दहकती प्रतिशोध की अग्नि से, अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विष्णु अवतार। और भूलना मत, महाराज ने क्या कहा था, सीधे सीधे उस मायावी का सामना नहीं करना है तुम्हें, वो बालक बहुत चतुर है। पर है तो एक बालक ही, और एक नन्हा सा बालक क्या हानि पहुंचाएगा मुझ जैसे महाविशाल महाशक्तिशाली अघासुर को। पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही होगी, विवाह के समय एक दूसरे को वचन दिया था, कभी भी एक दूसरे से कछु ना छुपाएंगे, पर मैंने कितने वर्षों तक तेरे दिव्य होने की बात उससे छुपाई। तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं, फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.